तो फाइनली दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा Redmi Note 9 Pro स्मार्टफोन के बारे में। दोस्तों आपको पता होगा कि अक्टूबर के महीने में Redmi Note 8 Pro स्मार्टफोन इंडिया की मार्केट में लॉन्च किया था, जो 15,000 रुपए की प्राइस में एक बेस्ट स्मार्टफोन था। ऐसे में दोस्तों Redmi Note 9 Pro स्मार्टफोन भी 15,000 रुपए की प्राइस में लॉन्च किया जाएगा, जहां पर दोस्तों हमें एक बेहतरीन स्पेसिफिकेशन देखने को मिल जाएगी। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा Redmi Note 9 Pro स्मार्टफोन के बारे में, बताऊंगा कि ये स्मार्टफोन इंडिया की मार्केट में कब और किस प्राइस में लॉन्च किया जाएगा। तो दोस्तों बिना स्किप के इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप घर बैठे अपने स्मार्टफोन से कुछ पेटीएम कैश अर्न करना चाहते हो, तो दोस्तों ऐसे में आप हेलो ऐप को डाउनलोड कर सकते हो, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी। दोस्तों हेलो ऐप की खास बात यह है कि इसमें आप मिनिमम 1 रुपए को भी पेटीएम में रिडीम कर सकते हो। सबसे अच्छी बात यह है कि दोस्तों एक सक्सेसफुल इन्वाइट पर आपको 300 रुपए कैश देखने को मिल जाएगी, यानी कि दोस्तों अगर आप अपनी लिंक से किसी भी फ्रेंड से डाउनलोड कराते हो, तो ऐसे में आपको 300 रुपए पेटीएम कैश देखने को मिल जाएगा, जिसे आप बड़ी आसानी से पेटीएम में ट्रांसफर कर सकते हो। और दोस्तों आप आर्टिकल रीड करके भी इससे अच्छे खासे पैसे अर्न कर सकते हो। अगर दोस्तों आप डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से ऐप को डाउनलोड करते हो, तो आपको 100 पॉइंट एक्स्ट्रा देखने को मिल जाएगा। दोस्तों तुरंत डिस्क्रिप्शन में जाइए और इस ऐप को आसानी से डाउनलोड कर लीजिए। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं मोबाइल फोन की डिस्प्ले से। तो ऐसे में Redmi Note 9 Pro स्मार्टफोन पर हमें 6.5 इंच की फुल HD प्लस सुपर AMOLED डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी, जहां दोस्तों हमें एक 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट भी देखने को मिलेगा। बताया जा रहा है कि दोस्तों मोबाइल फोन की डिस्प्ले हमें फुल व्यू मिलेगी, जहां हमें सेल्फी कैमरा पॉपअप कैमरे के रूप में देखने को मिल जाएगा। ओवरऑल दोस्तों Redmi Note 9 Pro स्मार्टफोन की डिस्प्ले एकदम बेहतरीन डिस्प्ले रहने वाली है। वहीं अगर हम परफॉर्मेंस की बात करें, तो दोस्तों मोबाइल फोन पर हमें स्नैपड्रैगन 700 सीरीज का चिपसेट देखने को मिल जाएगा, यानी कि दोस्तों ये स्मार्टफोन हमें स्नैपड्रैगन 730G के पावरफुल चिपसेट के साथ देखने को मिलेगा, जिससे हम एक अच्छी गेमिंग परफॉर्मेंस भी ले सकते हैं, और जहां हमें एड्रिनो 618 का GPU भी देखने को मिल जाएगा। वहीं अगर हम रैम और स्टोरेज की बात करें, तो दोस्तों मोबाइल फोन पर हमें 6GB रैम प्लस 64GB स्टोरेज, 6GB रैम प्लस 128GB स्टोरेज और 8GB रैम प्लस 256GB स्टोरेज के वेरिएंट भी देखने को मिल जाएंगे। इंटरेस्टिंग बात यह है कि मोबाइल फोन पर हमें microSD कार्ड का एक डेडिकेटेड स्लॉट अलग से देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल दोस्तों ये स्मार्टफोन परफॉर्मेंस के मामले में भी एकदम बेहतरीन स्मार्टफोन रहने वाला है। तो फाइनली अगर हम कैमरे की बात करें, तो दोस्तों मोबाइल फोन के रियर साइड पर हमें क्वाड कैमरे का सेटअप देखने को मिल जाएगा, लेकिन दोस्तों बहुत से लीक आ रहे हैं कि मोबाइल फोन पर हमें पेंटा कैमरे का सेटअप मिलेगा। दोस्तों मुझे नहीं लगता कि मोबाइल फोन पर हमें पेंटा कैमरे का सेटअप मिलेगा। मेरे हिसाब से दोस्तों मोबाइल फोन पर हमें क्वाड कैमरे का सेटअप दिया जाएगा, जिस पर प्राइमरी कैमरा 64 मेगापिक्सल का होगा, जहां हमें सोनी IMX686 का सेंसर मिलेगा। दोस्तों ये सेम सेंसर हमें Redmi K30 स्मार्टफोन पर भी देखने को मिलता है। वहीं दोस्तों मोबाइल फोन पर हमें अल्ट्रा वाइड एंगल सेंसर, मैक्रो सेंसर और डेप्थ सेंसर भी देखने को मिल जाएंगे, यानी कि दोस्तों ये स्मार्टफोन रियर कैमरे में एकदम बेहतरीन स्मार्टफोन रहेगा। और अगर हम सेल्फी कैमरे की बात करें, दोस्तों मोबाइल फोन पर हमें 20 मेगापिक्सल या 32 मेगापिक्सल का एक बेहतरीन सेल्फी कैमरा भी देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों ये स्मार्टफोन एक अच्छे कैमरे के साथ लॉन्च किया जाएगा। वहीं अगर हम पावर बैकअप यानी कि बैटरी की बात करें, तो दोस्तों ये स्मार्टफोन हमें 4500 mAh की बैटरी के साथ मिलेगा। दोस्तों लीक्स की माने तो ये स्मार्टफोन 33 वाट की फास्ट चार्जिंग के साथ आएगा, जहां हमें टाइप सी पोर्ट भी देखने को मिल जाएगा। दोस्तों मोबाइल फोन पर हमें NFC का सपोर्ट भी देखने को मिल सकता है, और दोस्तों मोबाइल फोन पर हमें 3.5mm का ऑडियो आउटपुट जैक और एक इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर भी देखने को मिल सकता है। वहीं अगर हम दोस्तों मोबाइल फोन के एंड्रॉइड वर्जन की बात करें, तो दोस्तों ये स्मार्टफोन हमें एंड्रॉइड 10 यानी कि एंड्रॉइड क्यू के साथ देखने को मिलेगा, जहां हमें Xiaomi की खुद की कस्टम UI यानी कि MIUI 11 का सपोर्ट भी देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों ये तो थी मोबाइल फोन की स्पेसिफिकेशन, बट दोस्तों ये सारी स्पेसिफिकेशन लीक्स और रूमर्स के हिसाब से है, इनमें थोड़ा बहुत फेरबदल हो सकता है। वहीं अगर दोस्तों मोबाइल फोन की इंडिया लॉन्च डेट और इंडिया प्राइस की बात करें, तो ऐसे में आपको पता होगा कि Redmi Note 8 Pro स्मार्टफोन को 14,999 रुपए की प्राइस में इंडिया की मार्केट में लॉन्च किया था। तो ऐसे में दोस्तों Redmi Note 9 Pro स्मार्टफोन भी सेम इसी प्राइस में इंडिया की मार्केट में लॉन्च हो सकता है, जहां हमें एक बेहतरीन स्पेसिफिकेशन मिलेगी। वहीं अगर हम इंडियन लॉन्च डेट की बात करें, तो ऐसे में दोस्तों ये स्मार्टफोन हमें फरवरी और मार्च मंथ में तो चाइना की मार्केट में देखने को मिलेगा, और उसके कुछ ही दिनों बाद डेफिनेटली ये स्मार्टफोन हमें इंडिया की मार्केट में भी देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके साइड में बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो चलिए दोस्तों अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।